गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट, जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास से जुड़ जाइए क्योंकि हम ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर 18 और 19 सितंबर 2024 परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमने कंटेंट को कलेक्ट किया है, जो बच्चे हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया था उन सभी बच्चों का क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट करके आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। और किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या है तो आप हमें 9458009461 में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा सहायता किया जाएगा। स्टूडेंट, और आप सभी का एग्जाम कैसा जा रहा है आप हमें थोड़ा फीडबैक दीजिए स्टूडेंट कमेंट में कि आपका एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, सारे तरीके से हमें फीडबैक आप दीजिए ताकि और भी बच्चों को मैं बता सकूं, ताकि उनका हेल्प मिल सके आपके थ्रू। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। आज जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए कंप्यूटर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए कंप्यूटर। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बताना आपको, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू कि निम्नलिखित में से लिब्री ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर लगाने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम कौन सा है। बताना है कि लिब्री निम्नलिखित में से लिब्री ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर लगाने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम कौन सा होता है आपको बताना है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट अ फुटर इन लिब्री ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। और स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्लास है, आप सभी को क्लास के लास्ट तक बने रहना है। ट्रिपल सी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिन बच्चों का एग्जाम अभी है। तो आप सभी एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर डिफॉल्ट स्टेप। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है आपका, निम्नलिखित में से बिग डेटा में 3B क्या है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से बिग डेटा में 3B क्या है। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 3B इन बिग डेटा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से बिग डेटा में 3B क्या है आपको बताना है। तो ऑल ऑफ जो दीज है स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम भी है, वेलोसिटी भी है और आपकी वैरायटी भी है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फोर कि निम्नलिखित में से इंटरनेट का जनक कौन है। क्वेश्चन पर कहना कह रहा है स्टूडेंट कि हू अमंग द फ्लोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है, मतलब जनक कौन है, किस कौन इंटरनेट को लाया था आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है विंडसर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है, ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज के लिए
किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बताना आपको कि क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हो, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को त्रिपल से एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। तो जिस बच्चे ने मेरे को ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का आता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से चेक की वैध अवधि क्या होती है, जिसमें हम जो भी कोई चेक हमें मिलता है जो बैंक से जो चेक होता है वो कितने दिन तक वैलिड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वैलिड पीरियड ऑफ चेक। बताइए 2 मंथ तक होता है, 3 मंथ होता है, 6 मंथ होता है या 12 मंथ होता है। आपको बताना कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3 मंथ तक चेक की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से IFSC का फुल फॉर्म क्या होती है। बताना आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से HDFC बैंक आपने सुना होगा, उसी का HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। HDFC का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC। बताइए मेरे प्यारे बच्चों किस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे ने मेरे ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन करा बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाकर लिब्रे ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कीज कैन बी प्रेस टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस क्यू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन करा बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमेजन किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अमेजन जो है, अमेजन जो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन को हम लोग शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, वो किसका उदाहरण है आपको बताना है। अमेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए आप सभी B2B है, B2C है, C2B है या C2C है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर तक हमें प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है अमेजन ऐप के थ्रू, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईमेल कितने भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से ईमेल कितने भागों से मिलकर बना होता है। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स मेक अप एन ईमेल। बताना आपको क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्यूआर कोड का शेप कैसा होता है, मतलब आकार, ठीक है। इसमें आकार पूछा गया है, क्यूआर कोड का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शेप ऑफ ए क्यूआर कोड। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्क्वायर आकार में होता है स्टूडेंट क्यूआर कोड, ठीक है। तो जिस बच्चे ने मेरे ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरह बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर जो 13 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम यू कैन डू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ये थोड़ा ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको कट कर दिया जाए। और बताइए आप सभी कि ऑप्शन नंबर जो ए है 200% है, 500% है, 400% है और 600%। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है 400% तक स्टूडेंट हम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से SEO
एसईओ का फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? बताना है कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप लाइव चैट में सही जवाब दीजिए। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एसईओ का फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने मेरा ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से आई आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है बताना आपको, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आई आई एन, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है इज योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिस बच्चे ने मेरा ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पॉलिटिशियंस की पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? Which of the following is the name of the first slide of a presentation? बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशंस की पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहां पर स्थित है? बताना आपको कि वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड अमंग द फ्लोइंग, बताना आपको कि जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया में वो कहां पर स्थित है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है सी डैग पुणे में स्टूडेंट, जो कंप्यूटर परम है सुपर कंप्यूटर यहाँ पे आपका स्थित है पुणे में, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से लिब्री ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन से कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू इज मेल मर्ज फाउंड इन लिब्री ऑफिस राइटर, बताना आपका कि जो मेनूज है मेल मर्ज का वो किस ऑप्शन में पाया जाता है, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है टूल्स में आपका मेल मर्ज का मेनू पाया जाता है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस निर्देशकों में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? इन विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टरीज आर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लोकेटेड, बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रथम ओएस कौन सा है, बताइए आप सभी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट ओएस, बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है GNOME, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है, बताना आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग साइज ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिग डाटा, बताना आपको कौन से आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है पेटा बाइट को हम बिग डेटा बोलते हैं इसमें। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े इसमें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेट इज अ सुपर नेटवर्क, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेस, ठीक है सर्विस होगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि निम्नलिखित में से दुनिया का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है आपको बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है
अल्टेयर 8800, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या? जो नॉर्टन है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बताइए टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प और मिल सके। बताइए आप सभी कि नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या, बताना आप सभी को। तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपका जो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कट और कॉपी कमांड का इस्तेमाल करने पर डाटा को क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है, क्या बिल्कुल सही है कि व्हेन कट एंड कॉपी कमांड इज यूज्ड तो डाटा इज स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका IVR का पूरा नाम इंटरेक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स होता है क्या, बताना आपको। द फुल फॉर्म ऑफ IVR इज इंटरेक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स, बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है क्या, द पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क इज पोर्ट्रेट, तो बिल्कुल होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, तो आपका ये हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है AEPS का उपयोग करने के लिए हर समय आपको आधार नंबर डालना होता है क्या, द टू यूज AEPS यू हैव टू एंटर आधार नंबर एवरी टाइम, बिल्कुल करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका इनक्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, इनक्रिप्शन इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बड़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका 30 TCP और IP इंटरनेट से संबंधित है क्या, TCP और IP आर रिलेटेड टू इंटरनेट, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के एक से कर सकता है क्या, एंटीवायरस कैन डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर एंड डू एनीथिंग विदाउट परमिशन, बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, बताइए आप सभी, बताना आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बड़ा है इसमें, अगला क्वेश्चन है आपका 100 के नोट का साइज 66 mm इंटू 142 mm होता है क्या, बताना आपको। द साइज ऑफ 100 नोट इज 66 mm इंटू 142 mm, तो बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 32 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सभी का एग्जाम चल रहा है स्टूडेंट, तो आप सभी एग्जाम दीजिए। और एग्जाम में देखिए स्टूडेंट, आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस अगर आपका करेक्ट रहेगा तभी आप ट्रिपल सी को अच्छे से पास कर पाइएगा, ठीक है। ट्रिपल सी पास आउट होने के लिए 50 नंबर्स आपकी कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 50 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही चाहिए, तभी आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो पाएंगे, ठीक है। सिर्फ पास आउट होने के लिए मिनिमम मार्क्स ये है। अब इसके बाद जितने भी आपके एक्स्ट्रा नंबर आए थे उस पे आपका ग्रेड पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स कितने आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं जो कि लोचन कंप्यूटर है आप हमारा, ठीक है। लोचन कंप्यूटर पे आपको जाना है, फिर जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोज हैं जो कि आप जाकर वहां से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करना है उतना ही प्रैक्टिस कीजिए।
और बिल्कुल आप सभी प्रैक्टिस पे लग जाइए, जितना अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।